सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज मान लीजिए आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और आपके पास फेसबुक का दो अकाउंट है और वो दो अकाउंट आपको एक ही ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है साइमल्टेनियसली, तो आप कैसे करेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी के? या फिर प्राइवेट विंडो आपको ओपन नहीं करना और इनकॉग्निटो मोड ओपन नहीं करना, आपके पास एक ही ब्राउज़र है, उस एक ब्राउज़र के अंदर आपको मल्टीपल अकाउंट ओपन करना है फेसबुक के अंदर। तो चलिए मैं आपको पहले एक डेमो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं कि एक ब्राउजर के अंदर आप कैसे मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, जो मृदुल वाली आईडी है फेसबुक पे, यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर ली मृदुल श्रीवास्तव से। अब मैं एक दूसरा अकाउंट ओपन करूँगा फेसबुक पे, जो कि मेरा दूसरा एक फेसबुक अकाउंट है टेक कोड नाम से, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। तो जैसे ही कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही ओपन करता हूँ, और जो मेरा पहला वाला मृदुल नाम से जो अकाउंट था, अब मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो वो दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि मैं मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता एक ब्राउज़र के अंदर, तो अगर मुझे मल्टीपल अकाउंट ओपन करना है फेसबुक के अंदर, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेंडविन, एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूज़ करनी है और कैसे उसको एक्सटेंशन लगा करके आप दो अकाउंट फेसबुक के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सेंडविन के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं फेसबुक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है send.win, ठीक है, आपको ये लिखना है, उसके बाद जो है क्लिक कर देना है। तो ये जो send.win आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। और किस तरीके से आपको लॉगिन रजिस्टर करना है, तो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मीट सेंडविन हो गया, फ्यूचर ऑफ ब्राउजिंग सेशन शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेंडविन की जो है यूट्यूब की वीडियो है, आप जा करके इसको देख भी सकते हैं और जान सकते हैं कि ये लोग क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं और किस तरीके से जो है ये वेबसाइट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपको देखना है तो आप जा करके देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ब्राउज़र प्रोफाइल इन अ सिंगल विंडो, अभी जैसे कि मैंने आपको डेमो दिखाया कि फेसबुक के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं एक ब्राउज़र में, तो यहाँ पे जो सेंडविन है वो मल्टीपल अकाउंट ओपन करवा देगा एक ब्राउजर के अंदर। तो किस तरीके से होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेंडविन है विल हेल्प यू, किस तरीके से ये लोग चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, स्विच अकाउंट विद ईज, शेयर सेशन अक्रॉस डिवाइस, मल्टीपल लॉगिन मेड इजी, सेशन आइसोलेशन ऑन एवरी टैब, डिफरेंट ब्राउजर इन सिंगल विंडो, बुक मार्क योर फेवरेट सेशन, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें ये जो है सर्व करते हैं आप देख सकते हैं। वी प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, रॉक सॉलिड सिक्योरिटी हो गया, सेशन टाइमर फॉर सेशन शेयर। अब यहाँ पे इनका जो है कुछ प्लान है, जैसे कि फ्री $0.00 है पर मंथ, और प्रो अगर आपको लेना है तो $2.99 पर मंथ होगा, अगर प्रो प्लस लेना है तो $6.99 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्री पे क्लिक कर दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे फुल नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रेफ़र कोड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो रेफ़र कोड है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है फुल नेम डाल देना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं फुल नेम लोकेश लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है लोकेश यादव लिख दिए। अब आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और कंफर्म पासवर्ड, जो आप पासवर्ड में डालेंगे उसी को जो है यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पे भी डालना पड़ेगा। और रेफ़र कोड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रेफ़र कोड क्या डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, जब आप अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको रेफ़र कोड आपको ये डाल देना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, 8XLZSQYC, ठीक है, सब कैपिटल में है। तो ये चीज़ आपको करके जो है रजिस्टर पे क्लिक कर। तो
तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा पहले से ही लॉगिन है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका ओपन होगा तो बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन है, अपग्रेड अकाउंट है, अकाउंट सिक्योरिटी है और एफिलिएट है, ठीक है। तो आप भी जो है एफिलिएट पे जाके रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया है। अब इसको यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आप दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू इंस्टॉल पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया है और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंशन में जा करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंडविन करके यहाँ पे एक्सटेंशन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको इसको इनेबल रखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे टूल मोर टूल्स पे जाइए और एक्सटेंशन पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे जो है आपको सेंडविन का दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सेंडविन आपको दिखा रहा होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं फेसबुक के अंदर और सेंडविन का यूज़ करके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैं facebook.com ओपन कर लूँगा, तो आपको भी facebook.com ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे दो यहाँ पे अकाउंट दिख रहा होगा, एक मृदुल नाम से, एक टेक नाम से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मृदुल वाली जो यहाँ पे अकाउंट है इसे मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है वो मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा अकाउंट है यहां पे ये ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और सेंडविन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंडविन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो स्टोर्ड सेशन है ना इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है नेम और ग्रुप डालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माय मेन फेसबुक, ठीक है, अकाउंट आपको ये लिखना है और ग्रुप में आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम दे सकता हूँ, मान लीजिए फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और ऐड पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके वही वाला अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम अपना नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर से भरा है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे जो बैक वाला है इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जो है फेसबुक ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने facebook.com ओपन कर लिया है। अब जैसे ही facebook.com ओपन हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो पुरानी वाली आईडी थी mridul.srivastav ये वाली ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉग आउट करूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टेक कोड वाली आईडी है इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब ये वाला जो है ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ लॉग इन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, सेंडविन आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टोर्ड सेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है माई सेकेंड फेसबुक, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। तो यहाँ पे माई सेकेंड फेसबुक लिखना है और ग्रुप का नाम यहाँ पे फेसबुक लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख दिया और यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों मुझे फिर से जो है जो फ़ोन नंबर और पासवर्ड टैग कोड का है वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पहले वाले में मृदुल श्रीवास्तव चल रहा है और दूसरे वाले में टेक कोड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टेक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये मृदुल श्रीवास्तव ही रहा और ये जो टेक कोड है जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये भी यहाँ पे टेक कोड चलने लगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि मैंने मल्टीपल अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैं कैसे मल्टीपल अकाउंट फेसबुक का ओपन कर सकता हूँ तो सेंडविन की हेल्प से। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।